करती हूँ आपका M4G न्यूज चैनल में। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जनपद मुजफ्फरनगर में पश्चिमी क्षेत्र आतिशबाजी विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आज एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया। विदित है कि NGT के पर्यावरण को देखते हुए पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन कुछ जगह केवल ग्रीन पटाखे बेचने व चलाने की अनुमति दी गई है, जिससे कि सन 2017 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली NCR क्षेत्र में पर्यावरण को देखते हुए पटाखों पर बैन लगाया गया था, लेकिन सन 2018 में नए ग्रीन पटाखों को तैयार कराते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर CSIR, NEERI और NGT के द्वारा मानकों के अनुसार ग्रीन पटाखों का जो प्रदूषण रहित है शिवाकाशी तमिलनाडु की कंपनियों द्वारा निर्माण कराया गया था, जो तैयार माल 18% IGST देकर व्यापारियों की दुकानों पर पहुंचाया गया है। ऐसी परिस्थितियों में NGT द्वारा पटाखों पर बैन कराने का निर्णय गलत है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हुए पटाखों व्यापारियों ने कोरोना काल को देखते हुए वैसे ही व्यापारी बहुत नुकसान में है, रोजी रोटी का संकट है, पूरे देश में छाया हुआ है। अगर पटाखों पर भी बैन हो गया तो व्यापारियों ने ब्याज पर पैसा लेकर जो माल खरीदा है उसके मानकों के अनुसार नगर मजिस्ट्रेट अग्निशमन विभाग द्वारा जांच की जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हिंदू धर्म में सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर ऐसा कोई निर्णय न ले जिससे व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर हो। आपसे अनुरोध है कि ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति प्रशासन द्वारा प्रदान की जाए। ज्ञापन देने वालों में सचिन अग्रवाल, मधुसूदन अग्रवाल, ललित गोयल, रविकांत अग्रवाल, प्रदीप सिंगल, अरुण जैन, राजीव सुमित अग्रवाल आदि पटाखा व्यापारी उपस्थित रहे। पटाखों पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने NGT जो कि लाइसेंस पटाखों का इशू करता है नागपुर, उसके द्वारा एक मानक तैयार द्वारा एक पटाखे बनाए जो कि ग्रीन पटाखे जिसमें प्रदूषण नहीं है, वो पटाखे तैयार किए गए सन 2018 में। अब वो पटाखा इस साल संपूर्ण रूप से मार्केट में आ चुका है और उस पर 18% IGST देकर हम लोग व्यापारी वो पटाखा मार्केट में अपनी दुकानों पर ले आए हैं, लेकिन दीपावली से मात्र 5 दिन पहले सरकार को सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज करते हुए NGT ने पटाखों पर बैन लगाया है। यह बहुत ही निंदनीय है, सुप्रीम कोर्ट की और सरकार की अवहेलना है, तो ऐसा निर्णय जो है वो बहुत गलत है। तो आज इसी रूप में हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक ज्ञापन माननीय राज्य मंत्री कपिल देव जी के द्वारा देने के लिए माननीय मंत्री जी के आवास पर आए थे, लेकिन माननीय मंत्री जी हमारे आने से 2 मिनट पहले ही निकल गए और इसीलिए हम लोग यहाँ आज धरने पर बैठे। टाइम लिया था आपने मंत्री जी? जी समय लिया था, समय उन्होंने दिया था और यहाँ पे कुछ पत्रकार बंधुओं का भी हमारे पास फोन आया कि आप कितनी देर में आ रहे हैं, हमने कहा जी 2 मिनट में आ रहे हैं और हम 2 मिनट में जैसे ही यहाँ पहुँचे तो माननीय मंत्री जी हमें नहीं मिले। अब आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश थे जिसके अनुसार ग्रीन पटाखा बनाया गया है, सरकार उस आदेश को लागू कराए और जो ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति थी वो अनुमति सबको दी जाए और व्यवस्था रूप से ग्रीन पटाखों का जो माल बाजार में आ चुका है उसकी बिक्री कराई जाए। जिन व्यापारियों ने पटाखा लगा लिया है वो लगभग कितने रुपए का जो है उन लोगों को नुकसान है? ये तो अगर मैं पूरे देश की बात करूँ तो कई 100 करोड़ रुपए का व्यापार पटाखे का पूरे भारतवर्ष में होता है। कितना का नुकसान हो सकता है व्यापारियों को? हमारे यहाँ जनपद की अगर बात करें, अगर मैं जनपद की बात करूँ तो 3 से 4 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ के सभी व्यापारियों को होगा। तो अब आप धरने पर जब तक माननीय मंत्री जी हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक नहीं पहुँचवाते तब तक हम धरने पर हैं। तो अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4G न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर अवश्य दें।